अस्सलाम वालेकुम, मैं निमरा शहाब, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। कर्पूर सीनियर सियासतदान साबिक वजीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी पहली बीवी और उसकी औलाद के साथ साबिक वजीर आला सिंध ने लातालुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी मैंने इज्जत के साथ गुजारी है और जितनी भी जिंदगी है वो भी इज्जत के साथ गुजारना चाहता हूँ। गौस अली शाह ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे भी मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बड़े बेटे को ज़मीनें और फ्लैट्स दिए संभालने के लिए, छोटा बेटा मेरे समझाने के बावजूद अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा देकर आ गया और छोटे बेटे ने अपनी माँ और मेरी इजाज़त के बगैर ज़मीनें भी फरोख्त की। गौस अली शाह ने कहा कि मेरी बेटी ऐसे कामों में मुलव्वस रही है जो मैं सबके सामने बयान नहीं कर सकता, जो तकलीफ दे हैं। मुझे प्रॉपर्टी से जो हिस्सा देना था वो हिस्सा मैं दे चुका हूँ। मेरी रही सही प्रॉपर्टी को मेरी नाफरमान औलाद फरोख्त करने की कोशिश में है। उन्होंने मजीद बताया कि मेरी औलाद घर में से चोरी करवाने में भी मुलव्वस है। नाफरमान औलाद मेरी दूसरी बीवी, मुझे और मेरे बेटे को कत्ल करने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला लेने में मुझे एक साल से ज़्यादा का वक्त लगा है और पहली बेगम की औलाद, छोटी बेटी और उसकी औलाद को अपने आप से जुदा कर रहा हूँ। मेरी औलाद नाफरमान और बाप के कत्ल करने की साजिशों में मुलव्वस है। उन्होंने आला हुकाम से गुजारिश की कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए।